देखिए, जैसे गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है नशा मुक्त का, उसमें वो मेन प्रायोरिटी है, और चोरी का, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का कंट्रोल करने का। इसी के सिलसिले में 21 जनवरी से जब मैं चार्ज लिया था और नया टीम चार्ज पे आई थी, तब से लेकर आज यानी कल तक 24 फरवरी तक हम लोग 19 NDPS केस रजिस्टर किया है। उस 19 NDPS केसेस में 25 लोगों को हम लोग अरेस्ट किया हुआ। इसमें बहुत सारे राइड्स किए थे हम लोग। उस राइड्स के दौरान गांजा हम लोग 675 किलो, काफ सिरप 4801 बॉटल, सस्पेक्ट यावा टैबलेट्स 10802, सस्पेक्टेड टू बी हेराइन 1000 ग्राम्स हम लोग सीज किया है। इसके अलावा 48200 गांजा प्लांट हम लोग डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो ये राइड्स के दौरान हम लोग 9,12,614 रुपया हम लोग इसमें सीज किया हुआ है ड्यूरिंग राइड्स के दौरान। ये NDPS का हमारा अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट स्थिति है। इसके अलावा हम लोग बाइक चोर के ऊपर, ये प्रॉपर्टी ऑफेंसेस या मेनली बाइक चोरी के ऊपर हम लोग प्लान करते हुए डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर को बनाया गया है, ये बाइक चोरी के कंसंट्रेट करने के लिए। और वो बाइक स्पेशल नोडल ऑफिसर, उसके अलावा जो टास्क फोर्स है, इन सब मिलके अभी तक 11 लोगों को, 11 बाइक चोर को, जो यानी वेटरन बाइक लिफ्टर जो हैबिचुअल है इसमें, इनको 11 लोगों को हम लोग अरेस्ट किया है और 4 बाइक रिकवरी किया है जो कंप्लेंट में आए। इसके अलावा भी 3 बाइक हम लोग रिकवरी किया है जो नंबरलेस है, तो उसको हम लोग 66 नंबर से पता करके ओनर को आइडेंटिफाई करने के लिए कार्रवाई चल रही। ये जितने भी लोगों को हम लोग अरेस्ट किया है बाइक चोरी का केसेस में, 11 लोगों को, ये 11 के 11 अभी जुडिशियल कस्टडी में है। देखा जा रहा है सर, शहर में स्मगलिंग ज़्यादा हो रहा है और आर्म्स भी मिल रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, आपको क्या लगता है अभी तक कुछ? देखिए, अभी यही बात हो गया, पहले नहीं पकड़ते थे तो नहीं मिल रहा था, अभी जब मिल रहे तो फिर ये सवाल आ रहे हैं कि ये इतना क्या हो गया। देखिए, ये स्मगलिंग के दौरान अभी तक जहाँ तक हमको मिल रहा है, स्मगलिंग के दौरान शायद यूज़ कर सकते होंगे लोग, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसको इंट्रागेशन चल रहा है, तो जैसे वो इन्फॉर्मेशन आता है पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद मैं आपके साथ पूरा उनका डिटेल। ये 19 केसेस, 25 जन गिरफ्तार करा हुए। ये रेडर समय हमी गांजा 675 किलो, काफ सिरप 4801 बॉटल, याबा टैबलेट्स 10,800 दुटा, हेराइन 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स बाजेयाप्त करा हुए। ये केस चुराव मोट 48,200 गांजा गा ध्वंस करा हुए। ये बंग तत्संगे नगद 9,12,614 टाका 14 टाका बाजेयाप्त करा हुए। ये चुराव यही पीरियड एर मध्य 21 जनवरी 2022 थे के 24 फरवरी 2022 पर्यंत 11 जन कुकत बाइक चोर गिरफ्तार करा हुए। ये 11 जन कुकत बाइक चोर के गिरफ्तार करा हुए एवं दुईटा स्कूटी दुईटा मोटर बाइक उद्धार करा हुए। ये ज्यादा गिरफ्तार करा हुए से तारा सबाए जेल है पजोते आज। ये अभी जो चार्ज ली सी 21 जनवरी थे के 24 फरवरी पर्यंत तो हमें जो कोर्सी काज कोर्सी हमें ब्रीफ कोर्सी। इसके अलावा हम लोग जो एक स्पेशल टीम फॉर्म किया हुआ है कुछ दिन पहले, एडिशनल SP रूरल मैडम ने आपको ब्रीफिंग किया होगा, इसीलिए आप जो NDPS का राइड्स शहर में जो देख रहे हैं, ये इसमें स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा आइडेंटिफाई करके हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट कलेक्ट करके पूरा शहर में हम लोग राइड किया जा रहा है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में हम लोग स्पेशल टीम फॉर्म किया हुआ है, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोग जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक्री हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा लोग ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो रहे हैं, इसको हम लोग टारगेट करके कर रहे हैं। इसके अलावा बाइक चोरी का जो मैंने आपको बताया, अभी तक 11 लोगों को अभी हम लोग गिरफ्तार किया हुआ है, वो 11 सब के सब अभी जेल कस्टडी में है। इसमें मैं पब्लिक को एक चीज़ मैं अपील करता हूँ, हम लोग इसमें कंटिन्यूस एफर्ट हम लोग कर रहे हैं। एक दो चीज़ जो हमारे नज़रे में आया है, जैसे हम लोग 2 बाइक रिकवरी किया हुआ है, उस 2 बाइक में ओनर ने चाबी छोड़ के चला गया,
तो जब चाबी छोड़ के उसी पे छोड़ के चला जाता है, ये काफी आपके लिए भी इतना सेफ नहीं है और हमारे लिए भी ये दिक्कत हो जाएगा। जब जो वहाँ पे बाइक है तो हम लोग पता करने में भी हो नहीं पाएगा वेदर कि वो बंदा ओनर है या फिर वो चोर है लेके चले। 3 दिन पहले उसको जो सप्लाई किया गया था वो वेस्ट उसके घर पे फिर राइड मारे हम लोग, उसके घर पे फिर यावा टैबलेट्स भी मिला था और उसके 21 ग्राम हेरोइन भी मिला था। वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, वेस्ट पीएस के सेपरेट केस में अरेस्ट हो चुका है। वो अभी जो पूरी पुलिस कस्टडी हम लोग लेके आए हैं, प्रदीप देव, कि उसको अरेस्ट किया गया हम लोगों ने, तो उसको फिर एडी नगर पीएस का केस में हम लोग जो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है। अभी तक हमारे पास 2 केस आया हुआ है, बहुत सारा नहीं है, 2 हो सकता है, 1-2 और हो। उस 2 केसेस में हम लोग ऑलरेडी अरेस्ट किया हुआ है, वो दोनों जो आसामी जो अरेस्ट किया हुआ है वो दोनों अभी जेल कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, मेल किसी को नहीं। तो वैसा नहीं मिला है। ये लोग इसको जबरदस्ती ये करने के लिए लिए थे कि सेम मॉडल का कार था, सेम कार था, ताकि पुलिस को जब देखे तो इसमें डाउट ना आ जाए। अभी तक तो इतना मिला है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे उसमें हम लोग चार्जशीट करेंगे पूरा बाहर आएगा तो मैं आपसे शेयर। और सर एडी नंबर का जो इंसिडेंट हुआ था सर, जो हेरोइन मिला सर, तो प्रदीप ने जो अरेस्ट हुआ इनका सर कोई बाहर का क्या लिंक कुछ मिला है क्या, कुछ कहाँ से आता है और किसका ये लिंक होता है, इंटरनेशनल या नेशनल कुछ? देखिए अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ तक वो आ रहे मिजोरम से या मणिपुर से आ रहे, जो बाहर से ही आ रहा है। त्रिपुरा में तो ब्राउन शुगर कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता है, कहीं से अंदर से कहीं प्रोडक्शन तो नहीं, ये बाहर से ही आ रहा है, तो बाहर से अलग अलग रास्ता पे आ रहा है। जैसे कौन सा रूट सर ज्यादा यूज करते हैं अभी? मणिपुर से आता है, मिजोरम से आता है, दोनों रास्ता में आता है। तो वो यहाँ पे आने के बाद देखिए ब्राउन शुगर का क्वांटिटी कम होता है, और इसका ऐसा नहीं है कि गांजा जैसा बड़ा बड़ा बॉक्सेस चाहिए आपको, 1 पाउच होने से भी 1 किलो आप कैरी बैग में भी लेके आ सकते हैं। तो ऐसे ये लोग बहुत ज्यादा स्मगल कर रहे हैं, फिर भी हम लोग कुछ नाम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया एडी नगर पीएस में जो हम लोग 900 ग्राम एक ही साथ में सीज किए थे, उसका भी सप्लायर को हम लोग पकड़ा हुआ है, तो फिर उनसे अभी इंट्रागेट चल रहा है, तो आशा है कि उनसे पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लें। आपको एक डेटा पूरा दे दूंगा, अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको डेटा रिटर्न फॉर्मेट में दे रहा हूँ, ठीक है? ये जैसे आप पूछ रहे हो मर्डर का, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का और रॉबरी का, मैं आपको डेटा दे दूंगा रिटर्न फॉर्मेट में, ताकि देर इज नो हो रहे शहर में, ठीक है? मैम इसमें ये देखा गया कि ये बाइक चोर भी जो भी पकड़ा जा रहा है हम लोगों ने, तो ड्रग्स लेने वाले बहुत ज्यादा है इसमें, मैं मोस्ट ऑफ देम, सब नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट ज्यादा लोग इसी पे है। सो इसीलिए हम लोग उसके जितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो उस लोगों को जो ड्रग्स के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो इसीलिए हम लोग उस आदमी को, उस सब लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर रखा है, जहाँ पे भी घटना हो रहा है हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग एयरपोर्ट में भी एक को अरेस्ट किया था, वो इतना बुरा हाल था कि हम लोगों को ये डर लग रहा था कि वो कहीं ये तो मतलब पकड़ने से उसका बिना वो वहीं पे डेथ हो जाए, तो हम लोग जुडिशियल कस्टडी में दिया है और उसमें हॉस्पिटल में भी हम लोग एडमिट करवाया है। इसमें हम लोग NCCPS में केस लिया है, केस और काउंटर केस दोनों का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दोनों केस लिए, उसमें मैं वो देख के बताना पड़ेगा। किसके नाम पर हुआ है ये कुछ डिटेल्स है आपके पास? डिटेल्स अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं आपको दे, लेकिन 2 केस हुआ है इतना तो मैं बताऊँ। और कुछ है? ठीक, देखिए जब वेपन नहीं पकड़ रहे थे कोई पूछ नहीं रहा था, जब वेपन पकड़ रहे कि इतना वेपन था। सवाल ये है कि कुछ चीजें, जैसे हम लोग अभी तक 3 वेपन पकड़े हैं, तो जो आपको पता होगा रिसेंटली एक वेस्ट पीएस के अंदर 15 दिन पहले पकड़े थे, उसके बाद लेफुंगा में एक पकड़ा था, फिर 3 दिन पहले एक कंट्री मेड पिस्तल यहाँ पे पकड़ा, टोटल 3 पिस्तल हम लोग पकड़े हैं। जहां तक अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक ही पिस्तल में लाइव राउंड मिला, बाकी 2 में हम लोग, हमारे पास राउंड नहीं मिला। इसमें ये है कि कुछ लोग, ये हमारे पास सस्पेक्टेड इन्फॉर्मेशन आ रहा है, अभी स्टिल इंट्रागेशन में है, तो मैं इसको 2-3 तरीके से हम लोग इंट्रागेट कर रहे हैं। कुछ दूसरा एजेंसीज भी इंटरेस्टेड है इसमें, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी भी मिला हुआ है, तो हो सकता है कि ये लोग स्मगलिंग के दौरान इसको यूज कर रहे हैं दूसरा गैंग को डराने के लिए, या फिर इसको खुद को यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग कल एक पकड़े थे, वो एक उसको उसके साथ लेके वो फोटो भी खिंचवा रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है तो ये पकड़, तो अलग अलग है। लेकिन जितना हम लोग तीन अभी वेपन सीज किए हैं, हो सकता है कि आगे भी हम लोग राइड करें। चैलेंज छोड़ के गया पुलिस को, जो बाइक उठा के लेके गया, जिसमें इसका पिक्चर भी है, PR है, PR वीडियो है, लेकिन अभी तक
अभी तक असफल रही है पुलिस, 15-16 दिन 17 दिन हो गया। त्रिपुरा अगरतला का स्मार्ट सिटी का जो सीसीटीवी कैमरा बात सिक्योरिटी कितना टाइट है, और आम आदमी जानना चाहता है आप लोग कितना सफल है सिक्योरिटी के लिए। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बताया था कि बाइक चोरी बंद हो गया, लेकिन कम हो गया। इसमें जो आप बता रहे हैं, आपसे एक पत्रकार मित्र से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आया था, शायद वो अभी दिख रहा है, मैं उनसे देख नहीं पा रहा हूँ, बट उसने एक बाइक नंबर दिया था, 2 तारीख को जो चोरी हुआ था, शायद 17 तारीख को हम लोग उसको रिकवरी करके दिए हैं। अभी जो आपने जो बता रहा है उस बाइक में हम लोग जल्दी से जल्दी रिकवरी कर देंगे। इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट में उसमें जाने के बाद वो नंबर प्लेट सारा हटा रहा है, तो इसको चासिस नंबर लेके उसको कंपेयर करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, वो मैं मानता हूँ, बट हम लोग इसको जरूर रिकवरी करवा के दें। सीसीटीवी कैमरा कितना काम कर रहा है, कितना परसेंटेज काम कर रहा है? देखिए सीसीटीवी जहाँ तक सीसीटीवी कैमरा का सवाल है, वो स्मार्ट सिटी के अंदर रहता है, वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं रहता है। एज अभी हम लोग आप मान लो शहर में 100 कैमरा है, हो सकता है कि अभी इस वक्त 4-5 कैमरा काम नहीं कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग। तो जितना भी वो काम कर रहे हैं तो हम लोग उसके एविडेंस ले रहे हैं, तो जहाँ पे भी ये सीसीटीवी का फुटेज नहीं आता है तो वहाँ पे चोर भी थोड़ा सा वो देख उसमें, जहाँ पे हर जगह पे सीसीटीवी नहीं है, जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कुछ प्लान करके रखा है, तो इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। 1 महीना हुआ है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लोग काम कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी आएंगे धीरे धीरे, अब थोड़ा सा वक्त दें। अब इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल टीम इसीलिए फॉर्म किया गया है ताकि इंटेलिजेंस इनपुट कलेक्ट करने के लिए हमारे लिए आसान हो, और उस इंटेलिजेंस इनपुट कलेक्ट करने के बाद इमीडिएट राइड करने के लिए हमारे लिए हमारे पास रास्ता है। थैंक यू। अब अगर आप कुछ पूछना सब्सक्राइब टू त्रिपुरा इन्फो एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ ऑन त्रिपुरा।